शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो, एक खतरनाक पागल पागल खाने से भागा हुआ है और इसी तरफ आते हुए देखा गया है। तुम्हारा आती जाती गाड़ी को आगाह करना और खुद भी होशियार रहना, समझे? जी साहब। चलो। अरे यार, चोर डकैत स्मगलर आतंकवादी तक तो ठीक था, मगर साला आजकल पागलों के लिए भी नाकाबंदी करनी पड़ रही है। क्या हुआ? मैडम, एक खतरनाक पागल पागल खाने से भाग गया है। रास्ते में होशियारी से जाइएगा। ओके, थैंक यू। परसों से मैनेजर बनकर इसकी गुलामी कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि ये कभी तो मुझ पर मेहरबान होगी, लेकिन आज तक इसने मुझे उस नजर से देखा ही नहीं। करोड़ों की जायदाद, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कल कोई अनजान आदमी इसका जीवन साथी बनकर करोड़ों की दौलत जायदाद और बिजनेस का वारिस बन जाएगा और मैं मैनेजर का मैनेजर ही रह जाऊंगा।
ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनीष, ये क्या किया तुमने? अभी तो सिर्फ तस्वीर पर गोली चलाई है मिस सपना जी, अब तो तुम्हारी पारी है। गुड बाय मिस सपना, गुड बाय। नमस्कार मालकिन। नमस्ते। अंदर मैनेजर साहब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। नमस्ते सपना जी। नमस्ते मनीष, इतनी रात गए और तुम इस वक्त यहाँ? सपना जी, आपकी अमानत आप तक पहुंचा बगैर मुझे नींद कैसे आ सकती है? ये पिस्तौल किस लिए? सपना जी, दौलत जितनी बढ़ जाती है दुश्मन भी उतने ही बढ़ जाते हैं। That's true. मगर मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं, ये तुम ही रख लो। अच्छा ठीक है। सपना जी एक बार गिन तो लीजिए, पूरे 10 लाख है। मैंने तुम पर जो विश्वास किया है वो लाखों का नहीं करोड़ों का। ठीक है। रामू काका जी, पैसे तिजोरी में रख देना जी। अच्छा रामू काका, चलता हूँ। आज कॉफी नहीं पियेंगे? नहीं आज नहीं, थैंक यू। तो मर गई थी, जिंदा कैसे हो गए? जिंदा कैसे हो गई तू बेवफा? मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। मधु, मधु, मुझसे दूर भाग रही है तू, किधर किधर भागेगी तू? तब तो पहले भी भाग गई थी तू, अब मैं तुझे भाग नहीं दूंगा। लगता है ये वही पागल है। मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं। चुप बैठ। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? धोखा दिया है तूने, तू भाग गई थी। लेकिन अब तो मैं आ गई हूं ना तुम्हारे पास। मेरे पास? हाँ सच? नहीं, तू झूठ बोल रही है, फिर बुद्धू बना रही मुझे तू। हाँ नहीं नहीं, मैं तुम्हें बुद्धू कैसे बना सकती हूँ? तुम तो कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने होशियार हो और कितने अच्छे हो। सच? हाँ। फिर तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मजबूरी थी, हालात के मारे। हालात के मारे? मैं मार डालूंगा हालात को, हालात को मार डालूंगा मैं। नहीं, 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 तुम तो कितने अच्छे हो और अच्छे लोग किसी को नहीं मारते। अच्छा, तो फिर मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जाना। हा? तू नहीं थी ना तो सब लोग मुझे मारते थे, डांटते थे, पागल कहते थे। अच्छा? मुझे कोई भी खाने को नहीं देता था, पीने को भी नहीं देता था। अब मैं आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हाँ? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ? मैं अभी आई। ठीक है। मधु आ गई, आ गई। पानी पी लो। तुम पिलाओ। Thank you.
Yes, can I help you? आप? जी मैं इस इलाके का आईजी हूँ, सूर्यकांत वर्मा। क्या आप इन्हें पुलिस स्टेशन फोन किया था? जी हाँ, वो पागल उस कमरे में है। जाओ जाकर उसे ले आओ। जल्दी। उस कमरे में। और संभाल के, बहुत खतरनाक है वो। आईजी साहब, आप मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? शायद आप यही सोच रहे हैं ना, एक अकेली लड़की ने ऐसे खतरनाक पागल को कैसे भस्मी कर लिया। आईजी साहब, मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ, एक साइकाट्रिस्ट हूँ। किसी भी पागल को अपने बस में कर लेना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मधु, थैंक यू वेरी मच। मधु? सॉरी, मेरा नाम मधु नहीं, सपना है। ओह आई सी। डॉक्टर जल्दी। जयराम जी की। हमारे काम में जान का जोखिम भी है और मौत का खतरा भी, मगर याद रहे, हमारा नाम तुम्हारी जबान पे कभी नहीं आए, और काम भी हो जाए, वक्त से डर नहीं तो मर। अरे कहाँ बात करे तो बाबू, तुहार नाम आमड़ी जबान पर तो कहाँ, जौनो जबान पे आएगा ना, वो जबान के साथ साथ वो नाम भी इस दुनिया से मिटाई देंगे। हाँ हेलो, मैं आईजी वर्मा बोल रहा हूँ, सपना जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए, मैं सपना ही बात कर रही हूँ। सपना जी, मुझे आपसे बहुत ही खास बात करनी है, अगर आप हमारे घर हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपके घर? जी देखिए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपका आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आती हूँ, अपना पता बता दीजिए। वो आएगी नहीं आएगी, 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 वो आ गई। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन थैंक यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस तरह इन तस्वीरों को देखकर तुम धोखा खा गई, उसी तरह करण भी तुम्हें देखकर धोखा खा गया कि तुम मधु हो। मधु? हाँ मधु, जिसे वो खो चुका है लेकिन भूल नहीं पाया। उसमें और तुम्हें फर्क है तो सिर्फ नीली आंखें। नीली आंखें? ये देखो। तस्वीरें मधु की है? हाँ, उस पत्थर दिल लड़की मधु की है, जिसने करण के साथ एक हंसती खेलती सपनों की दुनिया का आईना बनाया, और फिर उस आईने पर एक ऐसा पत्थर मारा कि टूट कर बिखर गई मेरे बेटे की जिंदगी। आपका बेटा? हाँ, करण मेरा बेटा है। आओ। आएगी नहीं आएगी, वो आएगी नहीं आएगी, आएगी
आपने इसे घर में क्यों रखा है? क्योंकि जब से उसने तुम्हें देखा है उसमें काफी परिवर्तन आ चुका है। वो तुम्हें मधु समझता है। लेकिन लेकिन मधु कहाँ है? दौलत के लालच में किसी और का हाथ थामकर विदेश चली गई। करण ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मधु के गम में पागल हो गया। मेरे बेटे की जिंदगी में एक नई सुबह तुम ही ला सकती हो। जी? मैं कुछ समझी नहीं। अगर कुछ समय के लिए तुम मधु बन जाओ तो शायद करण की दिमागी हालत ठीक हो सकती है। मैं मधु? वेरी सॉरी सर, ये नामुमकिन है। सॉरी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तुमसे, तुम तो एक दिमाग की डॉक्टर हो, क्या मेरे बेटे को दिमाग का मरीज समझकर उसका इलाज नहीं कर सकती? मैं झोली फैलाकर अपने बेटे की भीख मांगता हूँ, मुझे नाउम्मीद मत करना। प्लीज आईजी साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए, मैं रात रात भर अपने बेटे को जागता तड़पता नहीं देख सकता, इस बेबस लाचार बाप पर रहम खाइए प्लीज। देखिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। सर, आप ही बताइए, आप मुझे क्या करना चाहिए? एक तीर से दो शिकार। अभी आया। हाँ तो सपना, तुम पूछ रही थी कि उस पागल के इलाज के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। जी सर। सपना, पागलपन का ये केस तो एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, डू इट। मगर सर, बात यह है कि मुझे करण के दिमाग का इलाज डॉक्टर सपना बनकर नहीं बल्कि उसकी महबूबा मधु बनकर करना पड़ेगा। मरीज को सही हालत में लाना डॉक्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सर, क्या आपको विश्वास है कि मैं उसे ठीक कर सकूंगी? बेटी, जितना विश्वास मुझे इस जहरीली गैस पर है उससे हजार गुना ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर है कि तुम करण को पागलपन की दुनिया से बाहर निकाल लाओगी, क्योंकि तुम उसकी महबूबा मधु की हम शक्ल हो। सर, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मेरी जबान ने आपको सर कहा है मगर दिल ने हमेशा आपका पिता माना है। I'll do it, sir. I wish you all the best. मधु, नहीं, मधु याद है पिछली उस रात जो तूफान आया था वो? तुझे याद नहीं मधु? वो मधु, तू चली गई तो सब चला गया। तू आएगी ना मधु? मधु मधु we
लाचारी पर एहसानों का ऐसा कर्ज लाद दिया है कि मैं इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। परसों बाद मेरे बेटे को चैन की नींद आई, उसकी आंखों से मधु का इंतजार खत्म हुआ और मुझे शांति मिली। ये लो। ये क्या है? ये करण की वो डायरी है जिसमें मधु के साथ गुजरा हुआ एक एक पल लिखा हुआ है। इसे पढ़कर शायद तुम्हें इन दोनों की मुलाकात और उनकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में काफी मालूमात हो सकती है। आईजी साहब, मैंने फैसला कर लिया, आपको आपका वही करण लौटाऊंगी जो आप खो चुके हैं। मधु,
सारी दुनिया की बहार एक तरफ और तुम्हारा प्यार एक तरफ। जब तुम मेरे पास होती हो तो लगता है कि सारी दुनिया की बहारें मेरे पास है। अच्छा मधु, तुम कार बहुत तेज चलाती हो, तुम्हें स्पीड में चलाना पसंद है ना? कल हम जब ड्राइव पर जाएंगे कार मैं चलाऊंगा और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि तेज चलाना क्या होता है। रुको, ये झील पानी में मत जाना। नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है। करण करण प्लीज सुनो, वहाँ गाड़ी है, हम लोग दूसरी जगह चलते हैं घूमने के लिए। चलो ना प्लीज। वो जगह, ये झील, ये करण करण, ये क्या कर रहे हो तुम? कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। तू, तेरी जगह बस इस चार दीवारी के बीच कैद है। मैंने भूल की जो तुझे इंसानों के बीच भेजा। आईजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इसी लायक है ये पागल, इसे पागलों की तरह जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। अब भी ये पागल कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। मधु, मधु, आईजी साहब, ये तो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। इसकी किसी भी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है, पर आप तो नॉर्मल होते हुए भी अब नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त इसे मार और नफरत की नहीं बल्कि प्यार और सहारे की जरूरत है। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता सपना। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। I don't think ये कभी नॉर्मल हो पाएगा। ये दूसरों के लिए खतरा बने, इससे अच्छा है इसे इसके हाल पर और मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दो। आईजी साहब, आप करण को बस मेरे भरोसे पर छोड़ दीजिए। अब इसे नॉर्मल स्टेज पर लाना मेरा मकसद बन चुका है और मैं एक करके ही रहूंगी। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत से लड़ने वाले तकदीर से जीत जाते हैं। I'm sorry. करण, ये नहीं, मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं, 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 मैं नहीं करूंगा। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, ठीक है? हाँ चलो, आप ये दवा खा लो। नहीं, ये दवा खाने से अच्छी तरह नींद आ जाएगी। मैं हूं ना? हाँ, पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ, दैट्स कर, बस। Thank you.
जगह को पहचानते हो? कुछ याद आया? तो मुझे एक बार यहाँ घुमाने लाए थे और मुझे इस खंडर से जुड़ी हुई बहुत पुरानी कहानी सुनाया करते थे और अक्सर हम लोग यहाँ आया करते थे। हाँ, इस खंडर की दीवारों पे तुमने मेरी तस्वीरें भी बनाई थी। यहाँ कहीं करण? करण? तो मेरी ये तस्वीर बना रहे थे तो कितनी जोर से बारिश और तूफान आया था, याद करो ना। खुशबू मोहब्बत की, क्या कह रही है ये, सुन लो।
कीजिएगा सपना जी, शिकार पे आया था। आप लोगों को यूं अचानक जंगल में देखकर मैं सोचा कि मिल लूं। खैर छोड़ो। सपना जी, आप इसी का इलाज कर रही है ना? हाँ मनीष, यही है कारण। हाँ, जानता हूँ सपना जी। वही आईजी का बेटा ना? सपना जी, पुलिस वालों से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और दुश्मनी भी। बेहतर है आप इससे दूर रहें, क्योंकि ये पुलिस वाले का बेटा भी है और साथ साथ पागल भी। मनीष, पागलपन में आपके साथ कुछ भी कर सकता है। मनीष स्टॉप इट। तुमने मुझे पागल बोला? पागल बोला मुझे? तू मनीष, तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है मनीष, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैडम, इस वक्त आप गुस्से में हैं, इसलिए अपने और पराए में फर्क नहीं समझ पा रही हैं। और आप भूल रही हैं कि उसके ऊपर किसी ने गोली भी चलाई थी, जो शायद आपको भी लग सकती थी। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, ये बात की बात है, मगर तुमने मेरे रोकने के बावजूद भी मैडम गलती तो उसकी थी ना। मैं तो सिर्फ आपसे बात करता, उसने मुझ पर अटैक किया और मैंने तो सिर्फ। मनीष, तुम बदतमीज होने के साथ साथ झूठे भी हो। मेरे सामने तुमने उसको पागल कहा, झगड़े के लिए उकसाया। This is really too much. आप फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। Get lost. I'm sorry, madam. Please मुझे माफ कर दीजिए। I'm really very sorry. Madam, अगर आप कहें तो मैं उसे भी माफी मांग सकता हूँ। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, madam. Please मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए मनीष। Yes, madam. करण, तुम्हें मालूम है ना कि हम लोग कहां जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बताऊं? तुमने डायरी में लिखा था कि तुम मुझे एक जगह, एक खास तोहफा देने वाले थे, वहां जा रहे हैं। यही वो जगह ना करण? करण, वो देखो, पानी का टैंक। याद करो, यहां तुम मुझे क्या देने वाले थे? करण, याद करो,
कुछ याद आया? याद करो करण, याद करो। कुछ याद आया करण? करण, करण क्या हुआ? करण, मुझे याद आ गया। करण, याद? Oh my God! मधु, यही अंगूठी मैं तुम्हें देने वाला था। पर ये यहाँ क्यों छुपा के रखी थी? लोगों का कहना है कि यहाँ मन्नत मांगने से पूरी होती है। इसे यहाँ रखकर मैंने तुम्हारी मन्नत मांगी थी। लाई लाई।
जो खुली सहरा में गुल खिल गया। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू, बाद में देख लेंगे। ओके सर। मुकेश अग्रवाल मर्डर केस का क्या हुआ? सर हम मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। देखो सूर्यकांत, मुकेश अग्रवाल ने 28 जनवरी की सुबह मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था, पर 27 जनवरी की रात को उसका खून हो गया। वो एक बहुत ही होनहार सीबीआई ऑफिसर था। हो सकता कि वो कोई मुझे खास बात बताना चाहता हो जिसकी वजह से उसका खून कर दिया गया हो, इसलिए उसके खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है। जी सर, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द ही उसका खूनी आपके सामने हो। हाँ, करण कैसा है? अच्छा है सर, आपको तो मालूम ही है कि कल उसकी सगाई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये पार्टी दोहरी खुशी की पार्टी है। पहली खुशी करण के ठीक होने की है, जिसका सारा श्रेय मधु को जाता है। मधु ने दिन रात एक करके करण को एक नई जिंदगी दी है। और इससे भी बड़ी खुशी आप लोगों को यह सुनकर होगी कि आज मैं इन दोनों की सगाई करने जा रहा हूं। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। इस खुशी को मैं मातम में बदल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये सगाई सर? अरे मुझे खुद नहीं, थैंक यू। अरे मुझे खुद नहीं मालूम, ये तो डैडी ने अचानक। मुबारक हो करण भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बेटी, मुबारक हो। थैंक यू। दिमाग का इलाज किया और दिल को बीमार कर दिया, एक तीर से दो दो शिकार है। समझ के ना क्या करना है, जाओ। नो सर, दिस इवनिंग वाज नॉट प्लान्ड, यू नो। थैंक यू। अरे ये देना, ये लो करण, ये चेयर्स करो पहले। अरे मेरी बात तो सुन। अरे करण, मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रहा हूं भाई, सगाई की रस्म पूरी करो। चलो चलो चलो, कम ऑन करण, एक सेकंड। वो रस्म प्लीज, क्या हुआ? प्लीज मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं, चलो। क्या बात कर रही हो, इतने सारे मेहमान हैं, पार्टी हमारे लिए दी गई है, हमारी सगाई होने वाली है। प्लीज प्लीज चलो। क्या बात है, चलो ना। अरे यहाँ इस झील किनारे मुझे कहाँ ले आई हो तुम? याद है तुम्हें, हम लोग एक बार पहले यहाँ आ चुके हैं। यहाँ? उस वक्त इस झील को देखकर मैं डर गई थी। मेरे लिए यहाँ एक पल भी रहना मुश्किल हो गया था।
डर गई थी, मुश्किल हो, मैं कुछ समझा नहीं। यही समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। इससे पहले कि हमारी सगाई हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ करण। करण, मैं तुम्हारी मधु नहीं हूँ, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सपना हूँ। सपना? हाँ, सपना। करण, करण, प्लीज बिलीव, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे इलाज के लिए मैंने मधु होने का नाटक किया था। इलाज करते करते मैं तुमसे प्यार करने लगी। क्या ये जानकर भी तुम मुझे अपनाओगे? तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरी हो। मैं तो बस अब इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा फैसला करने से पहले मेरे बारे में जान तो लो। करण, मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, उसे तुम्हें बताए बिना मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के बराबर नहीं चल सकती। बोझ? कैसा बोझ? करण, मुझसे मुझसे खून हुआ है। खून? हाँ, खून। करण, आज से 6 महीने पहले मैं पुणे से वापस आ रही थी और यही झील के पास मेरे गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था और मैंने क्या किया, मैं पानी लेने यहाँ झील के पास आई थी। जब मैं पानी भर रही थी, मेरे पीछे से किसी ने आकर मुझ पर हमला किया। सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल की लोनी झील में निर्मम हत्या। हत्यारा लापता। कल रात किसी अज्ञात हत्यारे ने सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल की लोनी झील में हत्या कर दी। पुलिस अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा पा रही। जब मैंने अखबार में पढ़ा कि उसी झील में सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल की लाश मिली है, तब मुझे पता चला मेरे हाथों मरने वाला सीबीआई का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। यह जानकर मैं इतना डर गई कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं, किसी को बताऊं या नहीं, और आखिर मैं खामोश होकर रह गई। पर मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती करण। मेरे इन हाथों से सीबीआई ऑफिसर का खून हुआ है। मैं खूनी हूं करण, मैं खूनी हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे इकबाली जुर्म की वजह से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। मैं सीबीआई ऑफिसर करण सक्सेना हूं। वेल डन करण, वेल डन। सपना जी, आपने अपना जुर्म कबूल करके हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 27 जनवरी को इसी झील में मुकेश अग्रवाल की लाश मिली थी और उसी दिन इसी झील के किनारे आपके पांव की 7 नंबर की सैंडल और थोड़ी सी दूरी पर आपकी गाड़ी मिली। पर आपको गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास सबूत काफी नहीं थे, इसलिए हमने आपके आसपास जाल बिछाया। क्योंकि आप दिमाग के डॉक्टर थी, हमने करण को पागल बनाकर आपके पास भेजा। फिर करण का नकली बाप बनकर मैंने आपको उसके इलाज के लिए मजबूर किया। आपकी अलग अलग समय पर खींची गई तस्वीरों की आंखों का रंग बदलकर हमने मधु नाम की आपकी एक हमशक्ल बनाई
जो कभी थी नहीं। फिर करण का काम था कि आपके दिल में उतरकर हकीकत तक पहुंचे, इसलिए हमने नकली डायरी, अंगूठी और सगाई का नाटक किया जिसमें आप फंस गई। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट सपना। वेल डन माय बॉय, कंग्रेचुलेशंस। मुझे गलत मत समझा सपना, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी ड्यूटी थी, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या अफसर को अपना फर्ज निभाते हुए मुझे इनसे प्यार नहीं हो सकता? धोखे को प्यार का नाम मत दो करण। मुझे अपनी गिरफ्तारी का कोई अफसोस नहीं, अफसोस है तो सिर्फ तुम्हारे फरेब का। मैंने प्यार किया और तुमने धोखा। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 27 जनवरी की शाम लोनी झील पर सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल का खून एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ था। योर ऑनर, सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल को इंटरपोल से खास खबर मिली थी कि 15 अगस्त के दिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। 28 जनवरी यानी कि अगले दिन सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल का अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री जी के साथ था। हो सकता है कि इसके बारे में और भी कुछ बातें वो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हो, पर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचने से पहले ही इस भोली भाली मासूम सी दिखने वाली सपना माथुर ने मुकेश अग्रवाल को पानी में डुबो डुबो कर मार डाला। योर ऑनर, यही नहीं योर ऑनर, इसने सबूत को बखूबी छिपाने की कोशिश भी की, पर सीबीआई ऑफिसर करण सक्सेना और आईजी सूर्यकांत वर्मा की मेहनत और सूझबूझ ने इसे ढूंढ निकाला और इसे मजबूरन अपना अपराध इनके सामने कबूल करना पड़ा। मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसी खूनी देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। That's all, Your Honor. मिस सपना माथुर, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। अगर आप चाहें तो ये अदालत आपको वकील मुहैया करवा सकती है। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं जज साहब। पर मिस सपना माथुर, तुम्हें आज अदालत को यह बताना ही होगा कि सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल की मौत की साजिश में तुम्हारे अलावा और कौन कौन शामिल थे। देखो मिस सपना माथुर, अगर तुमने उन लोगों के नाम अदालत को बता दिए जो इस साजिश में शामिल थे तो अदालत तुम्हारे साथ हमदर्दी कर सकती है, तुम्हारी सजा कम भी हो सकती है। मुझे किसी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। इंसान को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है, चाहे उसके हाथों जुर्म हो जाए या छोटी सी भूल। जज साहब, मेरी इन हाथों से खून हुआ है, मुकेश अग्रवाल की मौत का कारण मैं हूं। मुझे सजा दीजिए जज साहब, मुझे सजा दीजिए प्लीज। इस मुकदमे का फैसला अदालत कल सुनाएगी। सर, अजीज, सीएम साहब कहाँ हैं? गार्डन में। रिवॉल्वर? अकेले? अकेले। ठीक है, तो गाड़ी पार्क करा दो। ओके सर। ओके सर। करण साहब आए। आओ बेटा करण, आओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? आप तुम बड़े हो गए हो, बड़े ओहदे पर हो, अब ये सब अच्छा नहीं लगता। गुरु के साथ साथ मैंने आपको पिता भी माना बाबा, मेरा ये अधिकार मुझसे मछी नहीं है। खुश रहो जी। बैठो जी। ये लीजिए। ओके सर। क्या सोच रहे बाबा? तुम्हारा बचपन याद आ गया, छोटा सा नटखट, बात बात पर रूठ जाना। बाबा, अगर आपने जनात को सहारा नहीं दिया होता ना, ऐसा कभी मत सोचना। शिष्य से ज्यादा मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने जो चाहा तुमने वो बन के दिखाया। बस आपकी दी हुई शिक्षा पर चलने की कोशिश कर रहा हूं बाबा। मुझे तुम पर गर्व है। सपना को गिरफ्तार करके तुमने ये साबित कर दिया कि फर्ज प्यार से कितना बड़ा होता है। उसी केस की राय आपसे लेने आया था बाबा। सपना की गिरफ्तारी के बाद भी मुकेश अग्रवाल की हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं। सपना के मुताबिक उसने उसे छुरा मारा था
पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत हुई गला घोटने से। अब एक आदमी की मौत दो तरीके से तो नहीं हो सकती बाबा। अदालत में सपना ने अपना गुनाह कबूल किया है और अगर उसका बयान सच है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी हो जाती है। सपना का कहना है कि मुकेश अग्रवाल ने पहले उस पर जानलेवा हमला किया और उस रात से पहले उसे वो जानती तक नहीं थी, तो फिर वो जानलेवा हमला क्यों करेगा बाबा? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो उस केस को उलझा रहे हैं। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सच है तो सपना कातिल नहीं हो सकती, और अगर हम ये मानते हैं कि सपना झूठ बोल रही है तो उसकी वजह क्या है? असली कातिल तक पहुंचने के लिए जानना बहुत जरूरी है बाबा, कौन सच्चा कौन झूठा। सर मैं इस केस को रीओपन करना चाहता हूं। लगता है तुम जज्बाती हो रहे हो। देखो, फर्ज और प्यार के बीच एक बारीक सी दीवार होती है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर, मेरा फर्ज मेरे प्यार से कितना ऊंचा है इसका सबूत मैं सपना को हथकड़ी पहना के दे चुका हूं। फिर भी मुझे शक है सर, सपना की खामोशी में कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। देखो करण, अगर तुम्हें जरा भी शक है ना तो जस्ट गो अहेड। पुलिस का अगर काम है गुनहगारों को पकड़ना तो बेगुनाहों को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। थैंक यू फॉर एनकरेजमेंट सर, आई एम सॉरी फॉर कमिंग सो लेट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट। मुलजिमा सपना माथुर के बयान से यह साबित हो चुका है कि सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल का खून सपना माथुर ने ही किया है, लिहाजा अदालत मुलजिमा सपना माथुर को खूनी करार देते हुए ताजी रात हिंद दफा 302 के तहत। ठहरिए जज साहब। जज साहब, कोई अगर इकबाल जुर्म करे तो यह जरूरी नहीं कि वो वाकई मुजरिम है, हो सकता है वो किसी दबाव में। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, मैं वो सीबीआई ऑफिसर करण सक्सेना हूं जिसने सपना से ऑफिसर मुकेश अग्रवाल का खून कबूल करवाया था। आइडेंटिफिकेशन। जज साहब, ऑफिसर मुकेश अग्रवाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बारीकी से जांच करने के बाद उनके जिस्म पर लगे हुए जख्मों के निशान यह साबित करते हैं कि मरने से पहले कातिल और उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त झड़प हुई होगी। मगर मुलजिमा सपना माथुर और ऑफिसर मुकेश अग्रवाल की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। मुकेश अग्रवाल बहुत ही भारी भरकम शरीर के इंसान थे जिनकी ऊंचाई तकरीबन 6 फुट थी, तो क्या ऐसी नाजुक लड़की उनके साथ जोर आजमाइश कर सकती है? ऐसे इंसान का पानी में गला दबोचकर क्या वो मार सकती है? इम्पॉसिबल जज साहब, मुमकिन है ये। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? जज साहब, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मुकेश अग्रवाल के कत्ल के पीछे एक बहुत गहरी साजिश है और सपना माथुर उस साजिश के जाल में किसी बेबस पंछी की तरह फंस गई है। सपना माथुर तो वो साजिश का छोटा सा धागा है, गुत्थी कहीं और उलझी है जज साहब, कहीं और। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है जज साहब कि मुझे 10 दिन का टाइम दिया जाए ताकि मैं असली कातिल को कानून के सामने ला सकूं। Stop it! Stop it! जज साहब, मैं आपसे कितनी बार कहूं कि खून मैंने किया है? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, इस केस को यही खत्म कीजिए। मुझे नहीं चाहिए किसी की दया और हमदर्दी। मेरी जिंदगी पर एहसान करने की किसी को कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा दीजिए प्लीज, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा
योर ऑनर, ऑफिसर करण सक्सेना अदालत का कीमती वक्त खामखा जाया कर रहे हैं। जब सपना माथुर अपना गुनाह अदालत के सामने कबूल कर चुकी हैं, तो बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, बेनिफिट ऑफ डाउट के बेस पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 10-12 दिन की मोहलत दी जाए ताकि असली कातिल तक पहुंच सके। प्लीज सर। ये अदालत ऑफिसर करण सक्सेना को 10 दिनों की मोहलत देती है, तब तक सपना माथुर को पुलिस कस्टडी में हिफाजत के साथ रखा जाए। इस मुकदमे की कार्रवाई 10 दिनों के बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सपना, अदालत में तुमने अपने आप को दोषी मानकर अच्छा नहीं किया। कोई जुर्म करके अपने आप को दोषी मान लेता है और किसी को अपने जुर्म का एहसास तक नहीं होता। मेरे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है शायद तुम्हें इसका एहसास नहीं। सपना, मुझे पूरा यकीन है कि वो खून तुम्हारे हाथों नहीं हुआ है। मैं दिन रात तुम्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगा हुआ हूं और तुमने अदालत में अपना जुर्म इकबाल करके बहुत बड़ी भूल की है। हाँ, भूल तो की है मैंने, मगर अदालत में अपना कसूर मानकर नहीं, बल्कि तुमसे प्यार करके जिसका यह फल भुगत रही हूं मैं। नहीं सपना, नहीं, मुझे समझने की कोशिश करो। सपना देखो, मुझे तुम्हारे साथ पूरी तरह हमदर्दी है ना? सीबीआई ऑफिसर मिस्टर करण, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। तुम सिर्फ मुझे सजा देने के लिए मौत को गले लगा रही हो सपना। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से प्यार नहीं कर सकते। तुम सर से पांव तक एक झूठ हो, एक सफेद झूठ। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मुझे मेरी मजबूरी, बेबसी और बदकिस्मती के सहारे छोड़कर चले जाओ। मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं। चले जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ। मुझे गलत समझ रही हो तुम सपना। मैं अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं दीवार से अपना सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। नहीं सपना। ठीक है, इस वक्त तो मैं चला जाता हूं, लेकिन इतना याद रखना सपना, मैं तुम्हें निर्दोष साबित करके ही रहूंगा। तुम्हारी हमदर्दी तुम्हारी खुद गर्जी है, चले जाओ। मुझे मेरे बेबसी, बदकिस्मती और अकेलेपन के सहारे छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा प्यार झूठा है, इकरार झूठा है, झूठा है। चल के यार,
सच्चा कौन झूठा, कौन सच्चा कौन झूठा, किसने किसका चैन लूटा। मेरे साथिया तुझे क्या पता, ऐसे करना मुझसे गिला। मिस्टर करण, मेरे पास सपना की बेगुनाही के पक्के सबूत हैं, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कौन है आप? ये जानने के लिए आप अकेले कुर्ला कंटेनर यार्ड में पहुंच जाइए, वहां मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। भेजा तुझे यार, बोल। बताता हूं मैं, जो रहा मालिक ने मुझे भेजा है। कौन मालिक? उसकी शक्ल नहीं देखी कभी, वो सिर्फ टेलीफोन पर ही सुपारी देता है। आज उसने तुम्हें यहां और सपना को जेल में खलास करने की सुपारी दी थी, तुम तो बच गए पर वो नहीं बचेगी। Thank you.
चलो चलो। तुम समझते क्यों नहीं, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। सिद्ध मत करो, चलो। सर रुक जाइए। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। जाओ। चलो। 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 सपना प्लीज मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, पहले मुझे इनसे पीछा छुड़वाने दो। सपना लिसन टू मी, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। हमें यहीं कहीं छुटना पड़ेगा। करण, करण छोड़ दो मुझे। भरोसा करो सपना। करण प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम जाओ, जो करना चाहती करो, पर मेरी भी एक बात सुन लो सपना, तुम मुकेश अग्रवाल की कातिल नहीं हो। कितनी बार कहूं, मैं ही मुकेश अग्रवाल की कातिल हूं और बड़ी से बड़ी अदालत में कुबर भी कर चुकी हूं। कितनी बार कहूं। देखो देखो, मैं जान चुका हूं कि तुम मुकेश अग्रवाल की कातिल नहीं हो और मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर सकता हूं। बस अब और किसी फरेब की जरूरत नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। सपना मैं तुमसे प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा। I mean it. सपना मैंने जो किया था वो मेरा फर्ज था और फर्ज कानून के सहारे चलता है। मैं मानता हूं कि कानून कभी कभी सच्चाई को नहीं देख पाता। जरा सोचो, जब से तुम्हारी मैंने फाइल रीओपन की है तब से कोई तुम्हारे और मेरे पीछे मौत बनकर घूम रहा है, जिसका सबूत है तुम पर जेल में और मुझ पर कंटेनर यार्ड में जानलेवा हमला। मेरे लिए बस इतना ही काफी कि तुम बेगुनाह हो, कातिल कोई और है सपना। अगर अब भी तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना समझ लो, अगर मैं तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सपना, असली कातिल को पकड़ने में तुम मेरी मदद करोगी? एक्सक्यूज मी, फिटिंग रूम का है? इसे सर। थैंक यू। तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग उधर। तमाम न्यूज़पेपर्स और डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देते देते मैं थक गया हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं आपकी परेशानी समझता हूं। करण को अगर मैंने बेटे की तरह समझा है तो आपने भी कभी उसे बेटे से कम नहीं समझा। यही तो दुख है सर, रिश्ते विश्वास दोनों को धोखा दे गया वो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की की खातिर करण ऐसा भी कर सकता है। मेरी दी हुई शिक्षा आज व्यर्थ हो गई। अगर दो दिन के अंदर करण अरेस्ट नहीं हुआ तो मुझे
मजबूरन शूटेड साइड के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। आप अपना कर्म कीजिए, कानून अपनी जगह है, जज्बात अपनी जगह। सोचता था कि कोई है जो मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि देगा, लेकिन आज करण ने वो अधिकार गवा दिया। यहां कोई नहीं। सर यहां पर भी कोई नहीं है। चलो। करण, आखिर कब तक तुम इस तरह मेरे साथ भागते रहोगे? कहां तक भागोगे? जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वहां तक। जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वो मिलन नहीं, नजरों का एक धोखा है। इसी तरह इस जन्म में तुम्हारा और मेरा मिलन भी एक धोखा है, एक ख्वाब है। करण, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। करण, कैसे छोड़ दो सपना? क्योंकि तुम्हें इस हाल में लाने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूं। मेरी मंजिल मौत है करण, और मैं उस मौत को जिंदगी में बदलने की कसम खा चुका हूं सपना। आई लव यू करण, I love you. I'm helpless. करण और सपना जहां भी दिखें उन्हें गोली मार दी जाए। चारों तरफ नाकाबंदी है, बस ये एक समुद्र का रास्ता है जो हमें लेक तक पहुंचा सकता है। क्या भाड़े के हम लोग? कैसे भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इन लोग निकल गए, चलो। हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भुलाए भुलाए, हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भुलाए बुलाए, गोलियां चलाए चाहे पहरे लगाए, कोई दिल वालों को जुदा न कर पाए। में दुनिया भुलाए भुलाए, thank you.
चलाए चाहे पहरे लगाए, कोई दिल वालों को जुदा ना कर पाए। हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भुलाए भुलाए। बस जाए बस जाए। गोलियां चलाए चाहे पहरे लगाए, कोई दिल वालों को जुदा ना कर पाए। हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भुलाए भुलाए। गोलियां चलाए चाहे पहरे लगाए, कोई दिल वालों को जुदा ना कर पाए। दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भुलाए भुलाए। यही वो जगह है? हाँ करण, जगह तो यही है। हाँ, इस झाड़ी के आसपास, यहाँ से मैं हाँ करण, ये लगता है यही कहीं, जब मैं पानी भर रही थी उसके साथ पानी में गिर गई थी। मेरा जैकेट संभालो, मैं ही अंदर जाके देखता हूँ। बी केयरफुल करण। किसी अपाहिज का नकली पांव, झील के तली में फंसा हुआ था। मगर इस पांव का हमसे क्या संबंध है? सपना, तुम्हारा हादसा यहाँ हुआ और ये नकली पांव भी यहीं मिला। मुझे तो लगता है कि जिसका ये नकली पांव है उसका इस हादसे से जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। हमें इस अपाहिज को ढूंढना होगा। मगर ये सब कैसे कर? इस शहर में नकली अंग बनाने वाली एक ही फैक्ट्री है। ये कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, यही नंबर हमें वहां तक पहुंचाएगा। चलो। Thank you.
रजिस्टर, इसी में उसका नाम और एड्रेस होगा। नंबर क्या है? नंबर 7126171 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
आओ मौत के सौदागर जॉन डिसोजा आओ। नहीं सेठ, अभी आप उन सिर्फ जॉन डिसूजा है, सिर्फ जॉन डिसूजा। अब आप उन सारा खोटा काम छोड़ दिए है। गॉड प्रॉमिस। फादर जोसेफ बोलता है जो सच्चा मन से कन्फेशन करेगा गॉड उसका सारा गुनाह माफ करेगा। लेकिन जॉन अपने धंधे का क्या होगा? नहीं सर, नहीं नहीं, अभी आप उन पाप का नहीं yes, क्रॉस का बोझ उठाएगा। फादर जोसेफ का सामने कन्फेशन करके आप अपना अखा गुना कबूल करेगा। अखा गुना। थैंक यू। चलता है सेठ। यस, ये तुम्हारा ही है जॉन डिसूजा। आप उनका? नहीं, आप उन तो वैसा ही यूज करता है, पर तुम लोग कौन? इधर कैसे में आया? ये जानने के लिए कि तुम्हारा ये नकली पांव झील में क्यों और कैसे फंस गया था। झील में पांव फंस गया था? ये क्या बात करता मैन, हमको बताना मांगता है। होल्ड इट सपना, होल्ड इट। इसका इस तरह भागना ये तो साबित कर देता है कि ये कत्ल में कहीं ना कहीं जुड़ा है। यस। फादर, फादर आप ठीक बोलता है, आप ठीक बोलता है फादर। पाप इंसान का चैन छीन लेता है, कितना ही भागो पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। फादर, फादर अपन अपन कन्फेशन करना मांगता है। थैंक यू फादर। फादर अपन बहुत गंदा गिरेला आदमी, मरने का वास्ते बहुत पाप किया फादर, चोरी किया, रॉबरी किया, सुपारी लेके मर्डर किया और हर बार कानून को धोखा देकर भाग निकला पाप। पर अब अपन भागते भागते थक गए ना फादर। छोड़ना नहीं, मैं मर जाऊंगा, छोड़ना नहीं। अगर तू मरना नहीं चाहता तो साफ साफ बता तूने जॉन डिसूजा का खून क्यों किया। क्योंकि उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। सच बोलो तो छोड़ दूंगा। सच बोल रहा हूँ। यानी कि तू सच नहीं बोलना चाहता? बोल, सच बोलता है, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। बोल, बोल। दादा, भगवान के लिए छोड़ना नहीं, बता। बोल बोल। मैं सपना की जायदाद का वारिस बनना चाहता था, इसलिए मैंने जॉन डिसूजा को सपना को मारने के लिए सुपारी दी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुकेश अग्रवाल के झूठे कत्ल का इल्जाम सपना पे लग गया है तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि मेरा काम खुद ब खुद होने लगा था। फिर हाँ, बता रहा हूं। हाँ, अचानक मुझे पता चला कि जॉन डिसूजा इस चर्च के प्रीस्ट पादरी की बातों में आकर प्रायश्चित करना चाहता था। मेरा पूरा बना बनाया काम बिगड़ने वाला था, तो मैंने जॉन डिसूजा को मार डाला। मुकेश अग्रवाल के कत्ल में तेरा क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं मेरा। सच सच बोल। नहीं, कोई हाथ नहीं मेरा। उस हादसे के बारे में सिर्फ इतना जानता हूं कि जब सपना और जॉन डिसूजा उस झील में से निकल रहे थे तो उसी टाइम पे
झील के उस पार मैंने किसी को जीप को झील में ढकेलते हुए देखा था। हाँ हेलो सर, मैं करण बोल रहा हूँ। सर, मैंने मोनिश को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा सबूत हासिल किया है जिससे सपना निर्दोष साबित हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पूरा भरोसा था करण कि तुम सपना को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा तो कहाँ से बोल रहे हो? सर, ऑरेंज चर्च के पास से बोल रहा हूँ। सर, मोनिश को यही चर्च में बांध के रखा है। मैं झील पे जा रहा हूँ, आप इसे यहाँ से अरेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। जीप है, कोई खास नहीं, बस एक बटन और ये टॉर। करे? हाँ? क्या है? ये देखो, क्या तो कुछ कागज है, यहाँ से कुछ कागज। ये कागज मुकेश अग्रवाल ने रखी होगी। इसमें तो कुछ लिखा है, टॉर्च देना। 15 अगस्त को झंडा फिराते समय मुख्यमंत्री जी की हत्या करने की साजिश की गई है। उस साजिश में आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये पानी की वजह से सब पेपर इतना गल गया है कि आगे पढ़ा नहीं जा रहा। करें, 15 अगस्त तो परसों ही है। ओह माय गॉड, कैसे भी करके आईजी साहब तो पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो, कब तक पुलिस से बचते रहेंगे हम? सर, अरे आप, सर आप यहाँ मोनिश अरेस्ट हो गया सर? मोनिश हमारी हिरासत में और उसके जबानी हमें ये पता चल गया कि सपना बेकसूर है। मेरे ख्याल से कातिल वही है जिसने जीप झील में फेंकी थी। सर, मैंने झील में वो जीप ढूंढ ली है। क्या? ये सर। कोई सबूत मिला? सर, कातिल का कोई खास सबूत तो नहीं मिला, लेकिन ये पर्चा मिला है। सर, पर्चे में लिखा है कि 15 अगस्त को झंडा फहराते समय मुख्यमंत्री जी की हत्या करने की साजिश की गई है और इस साजिश में आगे सब पानी से धुल चुका है। आप इसे लेबोरेटरी भिजवा दीजिए ताकि जो धुले हुए अक्षर हैं वो हम जान सकें। करण, तुमने एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। वेल डन माय बॉय। थैंक यू सर। देखो करण, मैं तो जानता हूं कि तुम दोनों निर्दोष हो, लेकिन ये साबित करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तब तक तुम दोनों को कानून से छुप कर रहना होगा। इज राइट। यस सर। फार्म हाउस चले? फार्म हाउस? हाँ, पास में ही है। ओके, लेट्स गो। कम, यस सर, कम। आओ सपना। आई सर। सर, आई होप हम आपको तकलीफ नहीं दे रहे। डोंट वरी मैन, डोंट वरी। आइए, देखो
मेरे फार्म हाउस से ज्यादा महफूज जगह इस वक्त तुम दोनों के लिए कोई नहीं। रात भर यहां रहो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलो। आईजी साहब ने हम दोनों को ऐसे वक्त में सहारा दिया है कि हम दोनों जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकेंगे। यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। जाम हुआ, धो लो, यू विल फील फ्रेश। मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूं। तुम यही ठहरो, मैं वाटर टैंक चेक करता हूं। तुम यहां क्या हो गया तुम्हें? करण, करण क्या हो गया तुम्हें? सपना, वो आदमी जो हमेशा मेरा पीछा करता था, हा? वो यहां भी आ गया। कौन? उसे कैसे मालूम कि हम लोग यहां हैं? पता नहीं, आई डोंट नो। नो, डोंट वरी, आई एम हियर। एक सेकंड। होल्ड इट, ये बटन अटक गया तुम्हारे। क्या हुआ करण? सपना, सीबीआई ऑफिसर मुकेश अग्रवाल का कत्ल आईजी सूर्यकांत वर्मा ने किया है। क्या? ये वही बटन है जो मुझे जीप में मिला था, जो इस कोर्ट के बांह का है। आईजी के कहने के मुताबिक मनीष को हवालात में होना चाहिए, जबकि मैं अभी अभी उसके खून से लथपथ कपड़े और जॉन डिसूजा की लाश पानी के टैंक में देखकर आया हूं। माय गॉड,
और वो आदमी? वो आदमी भी सूर्यकांत का आदमी है, और ये मकान हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारी हत्या के लिए चुना गया है सपना। यस यू आर राइट। क्या वो आदमी? कुछ समझा नहीं? दरअसल मैं आप लोगों को मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूं। मैं भी एक सीबीआई ऑफिसर हूं। जी मालकिन, ये सही कह रहा है। आपका रामू हमारा खास आदमी बन चुका था, और आपके घर में क्या क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर हमें दिया करता था। ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। It's okay, officer. लेकिन आप इस तरह छुप के हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट को शक था कि मुकेश अग्रवाल की हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए करण को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और करण की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी गुप्त रूप से मुझे सौंपी गई थी। करण की जान पर कभी भी हमला हो सकता था, साथ साथ आपकी जान को भी बहुत खतरा था। हमने आपके प्रोफेसर को भी अपने साथ मिला लिया था ताकि करण के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो आपको मजबूर कर सकें। ये बताइए, उस कागज में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि 15 अगस्त को ठीक 9:30 बजे फ्लैग होस्टिंग के समय चीफ मिनिस्टर साहब को खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग बॉम्बे से करीबन 4 घंटा दूर हैं, हमें फौरन निकलना चाहिए। लेट्स गो। ऑफिसर, क्या हुआ? उस दरवाजे में करंट है। करंट? Are you alright? I'm okay. Don't worry. मैं दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। यहाँ पे शटर्स को खोलने की ट्राई करता हूँ। करंट! करंट क्या हुआ? शटर्स में भी करंट है। ओह, इसका मतलब है कि बाहर निकलने के सब रास्तों में करंट है। ताकि हम बंगलों से बाहर नहीं निकल पाए। अब क्या करें? हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे एक सेकंड, मैं सीएम साहब को फोन कर लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, पीए साहब, मैं करण बोल रहा हूं। जी हाँ, जरा सीएम साहब से बात करवा दीजिए। इस वक्त वो सो रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पीए साहब, बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज आप उठाइए उन्हें। मैंने कहा ना, मैं उन्हें नहीं उठा सकता। देखिए, काम बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी। हेलो, ओह माय गॉड, ट्राई करता हूं। ऑफिसर, ये सपना, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं ऑफिसर, तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम चीफ मिनिस्टर साहब को बचाओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिसर, मेरा सीएम साहब से मिलना बहुत जरूरी है। देखो ऑफिसर, ऑफिसर करण साहब, मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं अपने आपको गिरफ्तार करवाने आया हूँ, लेकिन मुझे सीएम साहब से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप इन्फॉर्म कीजिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। प्लीज इन्फॉर्म कम। सुनील जी, करण सक्सेना सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। यहाँ सिक्योरिटी होगी और यहाँ आपकी कुर्सी होगी।
सर, करण गिरफ्तार हो चुका है और वो आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। उसको भेजो अंदर। ओके सर। सर, ये गद्दार ही मुकेश अग्रवाल का हत्यारा है और कल इस कमीने ने आपको भी जान से मारने की साजिश रची है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की के प्यार में तुम इतने पागल हो जाओगे कि एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे। सर, मेरा यकीन कीजिए, इसने अपने फार्म हाउस में हमें जान से मारने की कोशिश भी की थी और फिर कोई सबूत है तुम्हारे पास? था, सबूत था सर। सीबीआई ऑफिसर ऑन स्पेशल अपॉइंटमेंट के कौशल, जो हमें बचाते इसके आदमियों के हाथों मारा गया, और दूसरा था मुनीश, जिसके बयान से सपना निर्दोष साबित हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसने उसका भी खून करवा दिया, क्योंकि उसके खून से लथपथ कपड़े और जॉन डिसूजा की लाश इसके फार्म हाउस के वाटर टैंक में मिली। पूछे कि मनीष का है, पूछे। मैं यहां हूं। सर, इसे मैंने ही बुलाया, ये आपको सपना के बारे में कुछ बताना चाहता है। सर, सपना जी कुछ विदेशी आदमियों के साथ मिलकर हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। ये बात उनके घर के नौकर रामू ने भी सुनी थी, और करण जो है इसने। ये क्या बकवास किया जा रहे तुम? जो तुमने मुझे चर्च में बताया वो बताओ। चर्च? आज तक मैं कभी चर्च में गया ही नहीं हूं, और मिस्टर करण, पिछले 4 रोज से मैं बंबई में नहीं हूं। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। ये दोनों मिले हुए सर। सर, सर मुझे ये बटन मिला पानी में मुकेश अग्रवाल की जीप में, और ये बटन सूर्यकांत के कोट का है, मैंने देखा है। एक्सक्यूज मी सर, ऐसा बटन तो मेरे कोट पर भी है, ये देखिए। सर, इस तरह के बटन तो बाजार में आम मिलते हैं। करण, तुम्हें कुछ और कहना है? पूछिए इनसे, जो कागज मुझे मुकेश अग्रवाल की जीप में मिला और मैंने इन्हें दिया, वो कहाँ है? पूछिए। आप चुप क्यों हैं? कहाँ है वो कागज? सर, वो पेपर मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा था, सोच रहा हूं अभी तक आपके पास पहुंचा क्यों नहीं। ये रही उस पेपर की लेबोरेटरी रिपोर्ट, जिसे आईजी साहब ने आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। सर, अभी आपको पता चल जाएगा कि मुकेश अग्रवाल आपको क्या बताना चाहते थे। रिपोर्ट पढ़ो। 15 अगस्त को झंडा फहराते समय मुख्यमंत्री जी की हत्या करने की साजिश रची गई है। इस साजिश में हत्या का मुख्य कारण इतना है कि कुछ विदेशी ताकतें इस देश में आतंक फैलाना चाहती है। विदेशी ताकतों से इस हत्या के लिए 100 करोड़ रुपए लिए गए हैं। इस हत्या के पीछे सारी साजिश पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी की है। चीफ मिनिस्टर साहब की हत्या का सौदा विदेशी ताकतों ने मिस्टर करण सक्सेना के साथ किया है। नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। गहरी साजिश है मेरे खिलाफ, मेरा यकीन कीजिए सर, ये सब इसकी चाल है। ये देखिए बाबा, मैंने आपको पिता समान माना है, मैं तो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता बाबा, मैं नहीं कर सकता ऐसा। करण, आज की दुनिया में पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। सर, मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? ये आपके डिपार्टमेंट का केस है, जो उचित समझे करें। गद्दार, ये मैं समझ के तू बच गया। खुद मरने की कगार पर खड़ा है और मेरे मरने के सपने देख रहा है। ऐसी ही गलती मुकेश अग्रवाल ने भी की थी। वो जान गया था कि मैं विदेशी ताकतों के लिए काम करता हूं, और ये राज जब वो सीएम को बताने जा रहा था। सूर्यकांत, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के कत्ल की साजिश बनाने वाले मुख्य सूत्रधार तुम, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि कल ये रिपोर्ट मैं मंत्री जी को देने वाला हूं। अब तुम बच नहीं सकोगे। बच सकता हूं सर, क्योंकि ये राज सिर्फ आप तक ही है और मैं इसे आपके साथ ही दफन कर। Oh!
पानी के किनारे प्यासा मारकर पानी में डुबो दिया था मैंने उसे, और फंसा दिया था तेरी महबूबा सपना को। अरे तुम लोग मेरे हाथ की कठपुतलियां हो, कठपुतलियां। जिंदगी भर न चाहता रहूंगा, जिंदगी भर। आया था साजिश का पता करने और खुद ही मेरी साजिश का शिकार होकर रह गया है। अरे करण, सपना को फंसाना मेरे बचने के लिए बहुत जरूरी था और मैंने फंसा दिया, वो भी तेरे हाथों। अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था ना? मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मुझ तक पहुंचने की। अरे तुझे तो डॉक यार्ड में ही खत्म कर दिया होता, लेकिन तू बच गया और जेल में अपनी महबूबा को भी बचा लिया। जिस साजिश का पता करने के लिए तू इतना परेशान है, मैं खुद ही बता देता हूं ना, ये सच है। चीफ मिनिस्टर की मौत की साजिश मैंने की है। कुछ बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, और सुन, कल वो जरूर मरेगा। मैं फिक्स करूंगा बॉम्ब और था गया तेरा बाबा। हराम जादे। अरे भाई, अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। इसके बाद मौत का एक ऐसा सिलसिला शुरू करूंगा मैं कि हिंदुस्तान में तबाही आ जाएगी, तबाही। और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, सबसे अमीर। फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। छोड़ दूंगा इस देश को मैं। अरे तू पागल हो गया सूर्यकांत वर्मा, तू ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, सूर्यकांत वर्मा। याद रखो, किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। डोंट वरी सर। छोड़ दो इसे, जा, चल भाग जा। इंस्टीट्यूट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आपने यहां आकर हम पर कृपा की। अरे इसमें कृपा कैसी, आप सबके बीच में आकर मैं बहुत खुश हूं। मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूं कि 15 अगस्त के शो अवसर पर आप अपने हाथों से झंडा रोहण करें। ये सब क्या है? आपकी हत्या के लिए उस सूर्यकांत ने झंडे में फूलों की जगह बम बांध रखा बाबा, बम। ये रस्सी खींचते ही फट जाएगा, मत खींचेगा। सर ये झूठ बोल रहा है, कल रात तो ये पुलिस को धोखा देकर लॉकअप से भाग गया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहो इसे रस्सी खींच के दिखाए। चुप करो, इससे पहले भी तुम इन पर इस तरह के बेहुदे इल्जाम लगाकर झूठे साबित हो चुके हो। मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान चुका हूं। रस्सी मत खींचना बाबा, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक आखिरी मौका दीजिए, प्लीज बाबा, प्लीज।
सूर्यकांत, इसे इसकी गलत फहमी दूर करने का ये आखिरी मौका दे दो। सर, सर ये कैसे हो सकता है सर? इसका तो अधिकार सिर्फ आप ही को है। सूर्यकांत, तुम्हारी वर्दी पर उछाले इस कीचड़ को धोने के लिए मैं आज तुम्हें अपना ये अधिकार देता हूं। आओ झंडा फहराओ। अब और कौन सा झूठ बचा है तुम्हारे पास बोलने को? बोलो। इतने लोगों के सामने तुम्हारे इस आखिरी मौके ने मेरा सर पहले से भी ज्यादा नीचे कर दिया। चंद पैसों और एक लड़की के लिए देश से गद्दारी और इल्जाम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर। जी जी करण, घिन आती है तुम पर। सूर्यकांत, यू मेट टू योर ड्यूटी। राइट सर, अरेस्ट हिम। आज 15 अगस्त के दिन मैं तुम सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भूल से भी कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे शिक्षक का सर मेरी तरह शर्म से झुक जाए।
ललई 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 ललई